लखनऊ में कांशी राम की पुण्यतिथि पर मायावती का शक्ति प्रदर्शन, रैली स्थल पर लोगों की जुटी भीड़, हर विधानसभा क्षेत्र से 5,000 लोगों के पहुंचने का दावा। जम्मू कश्मीर में हथियार लूटने के मकसद से आतंकी कर सकते हैं हमला, आईबी का अलर्ट। पुलवामा में बीती रात पुलिसकर्मियों से 2 एसएलआर राइफल छीनकर भागे दहशतगर्द। बलूचिस्तान में चीन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, पाक हुक्मरानों पर भी हल्ला बोल, नवाज और राहिल शरीफ की तस्वीरों में लगाई गई आग। यूपी में फिर सामने आई बीमार हेल्थ सिस्टम की शर्मनाक तस्वीर, प्रतापगढ़ के अस्पताल में वक्त पर नहीं मिली एम्बुलेंस, बेबस बेटी के कंधे पर बुजुर्ग पिता ने तोड़ा दम। हैदराबाद में उपवास के बाद बच्चे की मौत के मामले में जांच शुरू, 68 दिन उपवास रखने के बाद 13 साल की आराधना की हुई मौत। कश्मीर में लागू संविधान के आर्टिकल 35A की वैधता पर सवाल, दिल्ली में हुआ कानून के जानकारों का सम्मेलन, आर्टिकल 35A को खत्म करने पर की गई चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर लिखी गई 15 वॉल्यूम की किताब का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा की ने लिखी है किताब। और महाअष्टमी पर मां गौरी की पूजा के लिए देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में की पूजा।